नमस्कार साथियों, मैं हूं मिथिलेश मशहूर प्रकाश आठ और आज का एक नए ब्लॉग के साथ और आपको भली भांति इस आवाज़ को सुन रहे होंगे। सो ये आवाज़ है एक विशाल कोयल नदी का जो आपको मैं दिखाने के लिए ले आया हूं यहां पे लातेहार। आप आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इस काटर को जो काफ़ी एकदम मजबूत लोहे से बनाया गया है और आप समझ सकते हैं कि किस ज़माने का ये तस्वीर है, किस ज़माने का ये गाटर है, किस ज़माने का ये पुल है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आप खुद भाली भांति इसको देखे होंगे और मैं जो खास चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ है लातेहार का मंडल डैम। तो कैमरामैन थर्ड कैमरा इधर डैम के साइड में चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डैम आपने देखा होगा और डैम का मज़ा तो काफ़ी खूबसूरत है। अरे वाह, इधर यहीं से कोयल नदी का उद्गम हुआ है और काफ़ी उधर डालमिंग वगैरह वगैरह क्षेत्र में जाती है। इससे आगे बहुत सारे लातेहार का गारो वगैरह बहुत सारे हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए, नज़र डालिए कैमरामैन को, मैं कहता हूँ जूम करके आप दिखाइए उस खतरनाक डैम को जो बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया है, जो बहुत सालों साल किए बनाए हैं, जो बनाए गए हैं, तस्वीरें हैं तो काफ़ी कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके और दिखाइए कैमरामैन बढ़िया से। तो दोस्त मैं बता दूं कि अभी सुबह का समय लगभग 7 बज रही है और सो दोस्त आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नीचे से डैम का नज़ारा, कितना भयानक आ रहा है। आप देख सकते हैं लुक कितना खूबसूरत है। सो दोस्त आइए तो जरूर नीचे भी एक बार आइए और चलिए। सो दोस्त फिलहाल हम लोग आपको नीचे का नज़ारा दिखाए जो काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे और इसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं जो आपको दिखाएंगे ऊपर से इस बांध का बांध से नीचे का नज़ारा दिखाएंगे। अभी आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और दोस्त एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जो है आपको पता होगा पहले से कि मंडल डैम लातेहार डिस्ट्रिक्ट में आती है और लातेहार डिस्ट्रिक्ट कितना खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जंगल झाड़ी का वही खूबसूरत नज़ारा और आगे देख रहे लोग चीन में सब जा रहे हैं। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और खुशकिस्मत हम लोग हैं कि आज सुबह के समय ही यहाँ पे आ गए, कभी ऐसे टाइम पे हम लोग आए नहीं थे। तो चलिए देखो देखो फटाफट हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखिए आगे का नज़ारा। तो दोस्त फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से मंडल बाजार है, ये इस साइड में दिखाइए थोड़ा सा, इधर मार्केट तरफ रास्ता जाती है और इधर दिखाइए इधर बांध का ऊपर जाता है। तो हम लोग बांध का ऊपर जा रहे हैं, चलिए थोड़ा जल्द ही पहुँचना होगा कारण कि आगे ही बहुत सारे सीन बचे हुए हैं, वहाँ भी कुछ तस्वीरें ले आएंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगी। तो बने रहिए और लोग महुआ चुनते हुए, आजकल महुआ का दिन है भाई साहब बहुत, चलिए आगे देखिए। अब मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन जो रास्ता है बहुत लंबा पड़ रहा है तो पता नहीं हम लोग सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, पता नहीं याद तो आ रहा है कि हम सही ही जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी रास्ता का सामना करना पड़ रहा है यार। आपको दिखाते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा बाइक से, इसलिए हम इस ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमारे मैं ऐसा दिखाते हैं कैमरामैन आज है हमारे साथ, काफ़ी खूबसूरत बढ़िया कैमरा करते हैं आप देख ही सकते हैं। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, देख रहे हैं कि कितना ऊपर आ चुके हैं। आप दिखाइए कैमरामैन उधर का पहाड़ वगैरह दिखाइए पूरा और कोयल नदी का सीन दिखाइए नीचे जो दिखाई दे रहा होगा अभी आप पूरा किस प्रकार से हम लोग पहुँचने वाले हैं। और यहाँ सीन दिखाइए आप लोग, हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। बाप रे, ये सीन देखिए कितना खूबसूरत। और पहुँच गए हम लोग अब बांध के ऊपरी हिस्सा में और महेंद्र जी काफ़ी मेहनत के साथ कैमरा कर रहे हैं क्योंकि बाइक से वही तो हिलता है ना, तो अच्छा कैमरा नहीं। अरे यार एंट्री कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इस बांध पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं। दिखाइए दर्शकों को कितना नज़ारा, कितना खूबसूरत है।
उधर का सीन दिखाइए थोड़ा, कोयल नदी का पूरा सीन दिखाइए। सो फाइनली गाइस, अभी हम काफी मेहनत के बाद बांध का ऊपर हिस्सा में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। और यहाँ से वो साइड थोड़ा सा दिखाइए आप, वो साइड कितना नीचे जहाँ पे गाटर था, आप गाटर को दिखाइए थोड़ा सा जूम करके, जहाँ पे हम लोग उस टाइम थे। तो ये गाटर आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे उस टाइम थे हम लोग, और अभी फिलहाल हम लोग ऊपर हैं। सो दोस्त देख सकते हैं कितना दूर और कितना ऊपर का नजारा है। थोड़ा सा आप कैमरा मैन नीचे थोड़ा दिखाइए कितना हाइट पे हम लोग हैं, कितना हाइट पे हैं आप दिखा सकते हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा संभल के, कारण कि ये खतरा का ही घर है। देख सकते हैं थोड़ा सा आगे दिखा दीजिए लोगों को, ताकि पता चले कि कितना ऊपर हम लोग हैं। शायद बांध का सबसे ऊपरी हिस्सा में, और आगे चलते हैं। अरे यार मधुमक्खी भी है ना, थोड़ा सा तो डरिए रहना होगा मधुमक्खी से। सो नज़ारा देखिए, अब चलते हैं आगे, और आगे का नज़ारा आप दिखाइए थोड़ा सा, इस साइड का भी दिखा दीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई साहब। और बहुत हाइट पे हैं हम लोग, मतलब अजीब फील हो रहा है, कारण कि पेड़ पौधे भी छोटे छोटे सब दिख रहे हैं, लोगों एक दूसरे छोटे छोटे दिख रहे हैं। वाह, उधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, इसका लंबाई चौड़ाई कैमरा सीधा करके थोड़ा सा दिखाइए। अरे वाह, क्या डिजाइनिंग किया गया है, हम लोग का बाइक वहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या डिजाइनिंग है यार। इधर का थोड़ा सा दिखा दीजिए, देखिए। और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये मंडल डैम कैसा डैम है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताएंगे आगे चल के। लेकिन पहले आपको नज़ारा यहाँ को दिखाते हैं, जो मैं थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बताता हूँ। तो बहुत साल पहले जो ये आपका कोयल नदी को मतलब बांधने के क्रम में इस बांध का निर्माण हुआ था, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ आतंकियों के द्वारा, कुछ जंगलियों के द्वारा यहाँ पे कुछ ये चीज़ हुआ, मतलब रोक टेक हुआ, जिसकी वजह से काम बाधित हो गया यहाँ पे। नहीं तो शायद एक काम पूरा हो जाता तो यहाँ पे एक बिजली पावर प्लांट बनना था, यहाँ से बिजली उत्पन्न होती और हमारे झारखंड पे शेयर किया जाता यहाँ से बिजली। लेकिन ये नहीं हो सका, पता नहीं फिर सरकार इस पे लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। अब आगे जो हमारे गवर्नमेंट के ऊपर है, कई बार इसमें कार्य करने का यह सब होता है, लेकिन संभवतः कुछ कमियों के कारण यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हो पा रही है। आप दिखाइए थोड़ा सा गहराई संभाल के, कितना गहराई है यहाँ पे, पूरा अंधेरा आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा अंधेरा। और मतलब कितना इसका हाइट मैं बता दूँ तो लगभग ऐसे तो आप देखिएगा नेट वगैरह में तो 300 मीटर शायद ऐसे करके यहाँ पे देता है, लेकिन सामने से गजब डरावना लगता है। और आप दिखाइए थोड़ा सा गहराई, और इधर भी दिखाइए जो मैं हिस्ट्री बताने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सरिया है, सब कितना मोटे मोटे सरिया हैं, जो हम लोग चावल बनाते हैं उस टाइप का सरिया है यहाँ पे। ये जो सरिया है इसको काटे गए हैं, और ये हम ही लोग के द्वारा बर्बाद किया गया, हमारे इस क्षेत्र के लोग के ही द्वारा बर्बाद किया गया, कारण कि शायद ये इस सरिया को क्या किए, काट दिए, काट कर यहाँ पे बेचने का प्रयास किया है। तो खुद का जो अस्तित्व है, खुद का आप नष्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। इसलिए यहाँ पे गलत हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ही, हमारे क्षेत्र के लोग ही इस अपने पेट को पोसने के लिए इस सरिया, इस लोहे को, इस रड को चोरी उन्होंने किया है, काट करके। आप देख सकते हैं पूरा ये जो छोटे छोटे पीस दिख रहे हैं, काटे हुए हैं सब, वो काट के बर्बाद कर दिया गया है यहाँ पे। शायद और रहती तो और शायद बनने का चांस थी, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगेगा। और चलिए थोड़ा सा आगे सीन दिखाते हैं, इसका हिस्ट्री के साथ साथ बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है अभी। आ जाइए इधर, यहाँ पे लोग
काफ़ी भीड़ भाड़ में 1 जनवरी और कई सारे ऐसे खूबसूरत समय में लोग आते हैं और यहाँ पर ऊपर चढ़ के देखते हैं, नज़ारा देखते हैं कि कैसा है और कैसा फील है। ये देख रहे हैं, ये पिलर आपको सामने है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, पिलर इसमें जो सीढ़ी लगा हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए था, और ऊपर से जो था वहाँ पे यहाँ वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको ढलाई होता, मतलब एक रास्ता टाइप के बन जाता, जैसे हम लोग अभी इसके ऊपर आए इस रास्ते से, उस तरह का आपका रास्ता बन जाता। और इस वो साइड दिखाइए आप थोड़ा सा, सो वो साइड से पूरे इधर दिखाइए, ये साइड तक दोनों इस जो है बांध जुड़ जाती और एक रास्ता बेहतरीन बन जाता और एक मार्ग समझिए कैसा होता, बहुत ही खूबसूरत होता। लेकिन हम ही लोग के द्वारा बर्बाद किया गया, हमारे क्षेत्र के लोग के द्वारा ही बर्बाद किया गया, इसलिए संभव नहीं हो पाया। थोड़ा सा नीचे दिखाइए आप करके, जो आप देख रहे हैं अभी इस जगह एक झरना बनाया गया था, आप देख सकते हैं कितना भयानक प्लेन झरना बनाया गया है, और इस यहाँ पे जैसे पानी वगैरह भर जाती, इसके बाद जो था इस झरने के माध्यम से गिरती, शायद गिरी थी कभी कि नहीं है पता नहीं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अगर गिरती तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है यहाँ पे। अब कैमरामैन हम बन चुके हैं और महेंद्र जी को थोड़ा सा चांस दिए कि वो भी अब देख ले, तब तक हम इधर नज़ारा देख रहे हैं। महेंद्र जी कितना आश्चर्यचकित हो चुके हैं, पूछेंगे इनसे लास्ट में कि कैसा लगा यहाँ का नज़ारा, लेकिन अभी हम इनको देखने दे रहे हैं, कितना आश्चर्य होकर देख रहे हैं, लग रहा है कि कभी मतलब ऐसा, अरे बाप क्या क्या होता रे, सब मज़ा करते हैं सब यहाँ पे आके। देखिए कितना हाइट पे हम गमछी उड़िया रहे हैं गर्दफर, हाँ चढ़ दीजिएगा, देखिए तो महेंद्र जी भी चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी ऊपर है, मत चढ़िए, आपको यहाँ से तस्वीर ले देंगे, है ना, हाँ रुकिए। सो काफ़ी नज़ारा खूबसूरत, और महेंद्र जी को देखिए सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो लेने के लिए कहाँ ऊपर पे हैं, बाप रे ये तैयारी कैसी ज़बरदस्त है, देखिए फ़ोटो लेने के लिए दर्शकों, देखिए आप लोग हाय कर रहे हैं, देखिए प्यार दीजिए, और इधर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। तो दोस्त फिलहाल हम लोग बांध का सबसे ऊपर जगह पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से कहाँ पे हैं हम लोग, जो उससे पहले का वीडियो था हम लोग वहाँ से शूट किए थे, वहाँ उस क्षेत्र से शूट किए थे, लेकिन अभी जहाँ है आप देख सकते हैं महेंद्र जी काफ़ी आश्चर्यचकित है इस जगह पे बैठ के, और हम लोग कहाँ पर हैं आप देख सकते हैं, ये जो बांध का जो पिलर था आपको दिखा रहे थे कि ऊपर से ऊपर ढलाई हुई था कितना खूबसूरत लगता, तो वही जगह पे भी हम लोग हैं, देख सकते हैं आगे का नज़ारा देखिए, और यहाँ सा नीचे का नज़ारा देखिए, वाह पहले हम लोग जहाँ थे वही ये जगह है, यहाँ पे हम लोग कुछ तस्वीरें लिए, इधर भी देखिए देख रहे हैं कितना काफ़ी लंबाई है इसकी। सो सामने आपकी मैं कैमरा जो कर दिया हूँ देख सकते हैं कितना लंबाई और कितना ऊंचाई और कितना हाइट है इसकी, और इधर आगे की पर्सन, तो दोस्त काफ़ी नज़ारा खूबसूरत रहा हम लोगों ने देखा, और एक खतरा का घर यहाँ पे बहुत सारा दिखाई दे रही है आपको। सो जाते जाते कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसके नीचे कितना गहरा है, और नीचे का भी यहाँ पे प्लान दिख रहा है आपको,
सो आप आइए कभी यहाँ पे, तो ज़रूर एक बार बेहतरीन जो दर्शक होंगे जो पहले यहाँ पे आ चुके होंगे उन्हें आप लेकर आए यहाँ पे, ताकि वो इस बांध के बारे में कुछ हिस्ट्री बताए। हम लोग को तो उतना खास पता नहीं है, हम लोग ऐसे कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियो के लिए स्पेशल आए हैं यहाँ पे। तो जो लोग आएंगे तो कोई साथ में अच्छा व्यक्ति को लेते आइएगा, ताकि वो मतलब आपको अच्छा से दिखा भी दे और प्लस में आपको मतलब पूरा शेयर करावे यहाँ से यहाँ तक पूरा। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, जाते जाते आप एक बार देख लीजिए। और मंडल डैम को वाय वाय बोलना होगा, इसलिए ज़रूरी है दिखाना। तो इधर से थोड़ा सा नीचे का नज़ारा देखिए, ये बांध कितना लंबा चौड़ा जगह है, कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र यहाँ पे ढक जाती है। वहाँ पे देखिए पूरा लातेहार क्षेत्र का सबसे बड़ा डैम है, और हमारे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा डैम यही है मंडल डैम, जो पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था और ये सक्सेस नहीं रहा, कारण कि कुछ आपको कहानी पहले बताया। सो आप कभी आएँ तो ज़रूर अच्छा से घूमें और बेहतरीन नज़ारा का आनंद लें। हाँ, ये बात मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे नशा वगैरह करके ना घूमें, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकती है, क्योंकि खतरा यहाँ पे कभी भी हो सकती है। और हमारे फ्रेंड वहाँ पे आगे चल गए। अब एक बार इधर से नज़ारा देखिए और निकलेंगे हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी। ये लीजिए एक बार काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, एक बार पूरे तरह से घूम कर आपको दिखा रहा हूँ, पूरा रोटेटिंग करके पूरा राउंडिंग करके आपको दिखाया जा रहा है। आप आएँ कभी और ज़रूर एक बार आएँ, क्योंकि यहाँ के माहौल और यहाँ का दर्शन करने का काफ़ी बहुत ही आनंद रहता है। सो चलिए अब हम लोग ब्लॉग अंत करेंगे, अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि समय भी कुछ ज़्यादा हो चुका है। हम लोग 10 बजे तक निकलने का यहाँ से टारगेट है और निकलेंगे हम लोग। लेकिन एक बार जंगल को देख लीजिए, काफ़ी छोटे छोटे पेड़ पौधे, और इधर जो राउंडिंग है रास्ता था यहाँ पे, ओ पहले देखिए यहाँ पे बाइक वगैरह लगा हुआ है, और इसके बाद हम लोग निकलेंगे। सो चलिए देख लेते हैं एक बार हमारे फ्रेंड और इधर आए हुए लोग दर्शक लोग और टूरिज्म के लिए बहुत खूबसूरत सब। आज उतना भीड़ भाड़ नहीं था, और भीड़ भाड़ रहती है उस टाइम जिस टाइम की जनवरी जो नया साल लोग मनाने आते हैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। और आएंगे उस टाइम तो आपको मिलवाएंगे बहुत सारे लोग से और परिचय करवाएंगे। चलिए अंत में दोस्त लोग से बात करते हैं। कैसा लगा भाई साहब? तो अच्छा लगा। कहाँ से हैं एक बार बताइए? लोहरदगा अपना घर हुआ। अच्छा, तो अभी यहाँ थोड़ा काम था तो और कभी आए थे इधर? नहीं कभी नहीं, फर्स्ट बार यहाँ आए। चलिए लगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा जगह है। चलिए और कभी आइए और दोस्त लोग को भी लेते आइए ताकि क्षेत्र को देखें। चलिए दोस्त लोग से मिले और हमारे पर्सनल दोस्त, बोलिए जी कैसा लगा? बहुत मस्त लगा। अब चलना चाहिए ना। सब लोग हम लोग निकलेंगे एक साथ, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। भाई लोग का भी बहुत सारा काम था, देख रहे हैं सब कुछ रेडी, बैग वगैरह सब कुछ लेकर आए हैं। तो चलेंगे हम लोग और इसके बाद भाई लोग, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर एक हम लोग भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, ये लोग भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे हैं, और जो बांध है ये भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट का लोग मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट पे आए हैं एंजॉय करने। सो मनोरंजन बहुत खास रहा, बहुत सारा सेल्फी फेक बहुत रहा जो आपको हम दिखाएंगे। और भाई लोग एक नया परिचय हम लोग के बीच बना इस बांध की वजह से, क्योंकि हम लोग देखने नहीं आते तो ये लोग भी नहीं आते, और ये लोग आते नहीं तो परिचय नहीं होता। लोग लोहरदगा से हैं और हम लोग गढ़वा से। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बने रहे इस चैनल पे। एक बार फिर से आपका आकाश ऑटो सेल चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक बधाई, क्योंकि पहली बार हमने भी आया, बहुत अच्छा लगा। और फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय झारखंड।